हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो माय सेल्फ रचना वर्क्स एंड यू आर वाचिंग रचना वर्क्स आर इन अकेडमी आर यूट्यूब चैनल। सो वी आर गोइंग टू डील विद 10th क्लास टुडे। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास के लिए बायो का, और हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन और टॉपिक है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इससे पहले पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखिए और फिर आपको ये समझ में आएगा। तो टुडे आवर टॉपिक इज पॉलिनेशन, राइट? ओके, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? बेसिकली द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट और द फ्लावर इज stamen, and the stamen consists of two parts. इसका structure कुछ ऐसे होता है, a stalk-like structure is present which is known as filament, and some lobes are present, knob-like structure which is lobe, that is known as anther. तो stamen consists of two parts basically, anther and filament. इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा, प्लीज पहले उसे देख लीजिए, फिर ये कंसीडर कीजिए, राइट? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन विच कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इज बेसिकली लोब स्ट्रक्चर, बाय लोब स्ट्रक्चर होता है एंथर, और इसके अंदर पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक्स आर प्रेजेंट इन साइड द एंथर in which lots of pollen grains are present. These pollen grains basically contain male gamete. These pollen grains have the presence of male gamete. So male gamete is present in pollen grains, and the pollen grains are present in anther, and the anther is a part of stamen, right? Male gamete is pollen grain which are present inside the anther. This is anther, this is stigma. Stigma is a part of female reproductive system, right? Male gamete mein pollen grain hoti hai jo kiske andar hoti hai, anther ke andar, aur anther kiska part hai? Stamen ka. Male reproductive part is stamen. Now the female reproductive part is carpal, and the carpal basically consists of stigma, style and ovary. Stigma is a receptacle part which is the upper part of the female reproductive system, and the style which connect stigma to the ovary. Style kya karti hai? Stigma ko ovary se connect karti hai, right? Ovary contains lots of ovules, and ovules has the presence of female gamete which are known as egg or ovum. So basically female gametes that are eggs are present inside the ovules which are present inside the ovary. Female gametes are known as egg. They are present inside the ovules, and ovules are present in ovary. So because these has to transfer, the male gamete has to transfer towards the female gamete for the fertilization to occur. That is why the transfer of pollen grain has to take place to the stigma of the female part, and that is known as pollination. What is pollination? Transfer of pollen grain. Pollen grains are male gamete from anther
टू स्टिग्मा. तो पोलिनेशन बेसिकली इज ऑफ टू टाइप. नंबर वन सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, देन दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो जाए या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए, देन दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. राइट. क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर या टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करती है दूसरे प्लांट के फ्लावर में. एंथर से स्टिग्मा में दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर करेंगी. बट द बेसिक कंडीशन इज स्पीशीज शुड बी सेम स्पीशीज के होने चाहिए. दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट और विद इन बिटवीन टू प्लांट, इट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वेरियस एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड लाइक विंड, लाइक वॉटर, लाइक इंसेक्ट्स, like birds. These are different agents through which cross pollination. So today we have learnt about pollination and its type and the agencies, external agencies which are required for the cross pollination. तो अगर आपको content समझ में आया है तो like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ and we continue with us for the next lecture. Thank you.